दोस्तों, हमारी टीम के द्वारा एक टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको टॉप 5 टेस्ट मिलेंगे। ये जितने भी टेस्ट होंगे ये सभी उच्च श्रेणी के होंगे। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये लैंग्वेज टीचर, नेट, JRF, TGT, PGT इत्यादि सभी हिंदी साहित्य की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। जो ये टेस्ट सीरीज होगी ये हिंदी साहित्य के संपूर्ण सिलेबस से संबंधित होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ GK के क्वेश्चन भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दिए गए नंबरों से संपर्क कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है। नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये करेंगे उत्तराखंड PGT क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो ये क्वेश्चन पेपर मुझे कहीं से प्राप्त हुआ था, तो चलिए आज ये वीडियो को डिस्कस करते हैं। तो आज से हम एक नई सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, इसमें हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र होते हैं उसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, आदिकाल में पहेलियों एवं मुखरियों की रचना करने वाले कवि कौन थे? तो जो आदिकाल में पहेलियाँ और मुखरियों की रचना की थी तो ये की थी अमीर खुसरो के द्वारा। यहाँ पर जो विकल्प ए है बिल्कुल उचित होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है 2, पूछा गया है आदिकाल को आधार काल किसने कहा? तो जो आदिकाल को आधार काल कहा था तो ये डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा कहा गया था। विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। हाँ, अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 3, पूछा गया है आहला और उदल किस राजा के सामंत थे? तो जो आहला और उदल थे यह राजा परमाल के सामंत मानते जाते हैं। यहाँ पर जो विकल्प उचित होगा। अगला क्वेश्चन है 4, पूछा गया है नाथपंथ के प्रवर्तक कौन थे? तो जो नाथपंथ के प्रवर्तक थे तो ये गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 5, पूछा गया है सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो जो सिद्धों की संख्या मानी जाती है यह 84 है। सही विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है 6, पूछा गया है इनमें से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो जो अष्टछाप का कवि नहीं होगा तो ये होंगे विकल्प सी हरिव्यास देव। तो जो हरिव्यास देव थे ये अष्टछाप के कवि नहीं थे, बाकी कुंभनदास, सूरदास और चतुर्भुजदास ये तीनों ही अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। आचार्य विट्ठलनाथ बल्लभाचार्य जी के पुत्र माने जाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 7, पूछा गया है हठयोग का उपदेश किसने दिया था? तो जो हठयोग का उपदेश दिया था तो ये गुरु गोरखनाथ के द्वारा दिया गया था। तो जो गुरु गोरखनाथ थे ये नाथों से संबंधित थे, इसे भी याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो हठयोग है किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जो हठयोग है ये नाथों से संबंधित है, कहीं आप गलती से इसे सिद्धों से संबंधित ना कर दें, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 8, पूछा गया है रामकथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। तो जो उक्ति है यहाँ पर बताना है कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर होगा रूपक अलंकार। सही विकल्प बी होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 9 है, पूछा गया है कबीर बाणी के डिक्टेटर थे ये कथन किस आलोचक का है? तो जो कबीर बाणी के डिक्टेटर थे ये आलोचक होंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है 10, पूछा गया है सखी संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे ये स्वामी हरिदास थे। यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 11, पूछा गया है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो जो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा था ये नाभादास के द्वारा कहा गया था। यहाँ पर जो सही विकल्प ए होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो भक्तमाल है किसकी रचना है? तो जो भक्तमाल है यह भी नाभादास की ही रचना है। इस रचना में इन्होंने कलिकाल का वाल्मीकि तुलसीदास जी को कहा है। अगला क्वेश्चन है 12, पूछा गया है मीरा की भक्ति किस प्रकार की है? तो जो मीरा की भक्ति थी यह माधुरी प्रकार की थी। यहाँ पर जो विकल्प सी बिल्कुल उचित होगा।
दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि जो सूरदास थे उनकी भक्ति किस प्रकार की थी और जो तुलसीदास थे इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। अगला जो क्वेश्चन है यह 13 है, पूछा गया है भक्तिकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है, तो जो ये कथन है किसका है, तो ये कथन होगा जॉर्ज कियर्सन का, सही विकल्प बी होगा। अगला प्रश्न है 14, पूछा गया है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो जो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं यह आचार्य बल्लभाचार्य माने जाते हैं, यहाँ पर जो सी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 15, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो जो द्विवेदी युग के कवि नहीं होंगे तो ये हैं विकल्प डी रांगीय राघव, बाकी जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, गोपाल शरण सिंह और लोचन प्रसाद पांडे ये तीनों ही द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं सिवाय रांगीय राघव के। अगला जो क्वेश्चन है यह 16 है, पूछा गया है प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है, तो जो रचना है प्राचीन पंडित और कवि यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना होगी, यहाँ पर सी सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन है 17, पूछा गया है गोरखवाणी के संपादक कौन हैं, तो जो गोरखवाणी के संपादक होंगे तो ये होंगे पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन है 18, पूछा गया है निम्नलिखित में से नंदुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है, तो जो नंदुलारे वाजपेयी है इनकी समीक्षा कृति होगी विकल्प ए हिंदी साहित्य विशिष्टावधि, यह भी महत्वपूर्ण है इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19, पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक आलोचनात्मक कृति किस लेखक की है, तो जो कृति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना तो ये होगी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति। अगला क्वेश्चन है 20, पूछा गया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किस वर्ष प्रारंभ किया था, तो ये किया था 1903 में, इसे याद रखिएगा, ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी ही परीक्षाओं में इसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है 21, पूछा गया है प्रिय प्रभास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो जो प्रिय प्रभास का प्रथम प्रकाशन हुआ था तो ये 1914 में हुआ था, यहाँ पर जो बी सही विकल्प होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 22, पूछा गया है कविवचन सुधा के संपादक कौन थे, तो जो प्रसिद्ध पत्रिका है कविवचन सुधा इसके संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यहाँ पर जो बी सही विकल्प रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23, पूछा गया है राजा भोज का सपना कहानी के लेखक कौन है, तो जो राजा भोज का सपना कहानी है इसके लेखक माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो राजा भोज का सपना है ये किस विधा की रचना है, तो अधिकतर विद्वान इसे कहानी मानते हैं, इसे याद रखिएगा ये कहानी विधा है। अगला क्वेश्चन है 24, पूछा गया है छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, तो जो ये प्रसिद्ध उक्ति है किसकी है, तो थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, यहाँ पर जो डी सही विकल्प रहेगा। अगला प्रश्न है 25, पूछा गया है महादेवी वर्मा किस काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो जो महादेवी वर्मा थे यह ज्ञानपीठ प्राप्त किए थे पुरस्कार यामा रचना पर, सही विकल्प यहाँ पर ए रहेगा। दोस्तों हमारी टीम के द्वारा एक पीडीएफ को लॉन्च किया गया है जिसमें आपको हिंदी साहित्य के 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये जितने भी प्रश्न होंगे ये सभी वस्तुनिष्ठ होंगे और ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए ये अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य को कवर किया गया है, ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हो, यहाँ पर आपको सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है
आपके प्रश्न का उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा।